हमीरपुर पुलिस के हत्थे आज दो युवक चढ़े हैं, जो अपनी गाड़ी में विधायक तो लिखे ही थे, हूटर के साथ भाजपा का झंडा भी लगा कर चल रहे थे। विधायक बने दोनों अभियुक्त डरा धमका कर ट्रकों से न सिर्फ अवैध वसूली करते थे, बल्कि विधायक की आड़ में बिना रॉयल्टी के ट्रकों से मोरम भी ले जाते थे। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों के पास से दो तमंचे और कारतूस बरामद हुए हैं, साथ ही अवैध तरीके से वसूला गया धन भी बरामद हुआ है। हमीरपुर एसपी शुभम पटेल के अनुसार उन्हें रात में सूचना मिली कि दो युवक अपने आप को विधायक बताकर मोरम के ट्रकों से अवैध वसूली करने में लगे हैं। पुलिस ने जब दबिश दी तो दोनों अभियुक्त स्कॉर्पियो गाड़ी से भागने लगे और एक सिपाही के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। पुलिस ने गाड़ी का पीछा कर घेराबंदी करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो कानपुर में किदवई नगर के रहने वाले हैं, जिसमें एक अनिरुद्ध सिंह और दूसरा निर्भय सिंह है। दोनों अभियुक्तों की तलाशी के दौरान इनके पास से तमंचा और कारतूस सहित 71,490 रुपए की नकदी मिली है। सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की गाड़ी है, जिसमें दो लोग जो रानी लक्ष्मीबाई तिराहे पर वहां से पुल के बीच में अवैध वसूली कर रहे हैं ट्रकों से। इस सूचना पर जैसे ही पुलिस टीम पहुंची तो इन दो व्यक्तियों द्वारा मौका पाकर वहां से भागने का प्रयास किया गया, और जो पुलिस की टीम आगे उनको रोकने का प्रयास कर रही थी उन पर भी गाड़ी चढ़ाकर मारने का प्रयास किया गया टीम को। इसके पश्चात उनका पीछा कर उनको पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया और उनके पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है, और साथ ही जामा तलाशी में उनके पास से लगभग 71,500 रुपये भी बरामद हुए हैं, जिसके संबंध में उन्होंने बताया कि ये पैसा उन्होंने अवैध वसूली से अर्जित किया है। और ये जिस गाड़ी का प्रयोग कर रहे थे उस पर विधायक का स्टिकर लगा हुआ था, हूटर लगा हुआ था, तो ये लोग फर्जी विधायक बनकर ये वसूली का कार्य करते थे, और इनके खुद के भी ट्रक चलते हैं तो इनके ट्रकों को भी मौके पर से ही सीज किया गया है, और इस संबंध में जो मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं थाने पर, उसमें से जो खनन अधिनियम के मुकदमे और आर्म्स एक्ट के, और एक जो इन्होंने अवैध वसूली संबंधी और फर्जी जो गाड़ी पर स्टिकर लगाकर ये वसूली करते थे उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम अनिरुद्ध सिंह पुत्र श्याम कुमार सिंह, ये थाना किदवई नगर कानपुर का है, और निर्भय सिंह पुत्र अनिल कुमार सिंह, ये भी थाना किदवई नगर कानपुर का है, और इनके पास से स्कॉर्पियो गाड़ी, अवैध तमंचे और जो नगद पैसा और मोबाइल ये बरामद हुए हैं।